एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बुलिश रहेंगे, फिन निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट था वो हमारा आपको 20,200 का था। और आप देखें कि एक बार हमने मैसेज भी किया अपने टेलीग्राम चैनल पे कि 20,200 एक बार टच करेगा फिन निफ्टी का, और फिन निफ्टी ने टच भी किया। कल का हमने वीडियो पोस्ट किया था कि 20,200 हमारा क्या शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है और इसके ऊपर फिन निफ्टी रहेगा। लेकिन फिन निफ्टी जैसे ये 12 बजे से पहले टच किया, इसके बाद क्या हुआ कि डाटा में चेंजमेंट हो गया वहां पे, और क्या है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया फिन निफ्टी के कारण हमारा बैंक निफ्टी भी। तो आप देखें कि प्रॉप राइटिंग यहाँ पे 19,400 पे जो है वो प्रॉप पुट राइटिंग कर रहे थे, इसलिए आप देखें जो निफ्टी है वो 400 के नीचे नीचे क्लोज नहीं दिया। इवन फिन निफ्टी यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी स्लाइटली ड्यू टू फिन निफ्टी आया, क्योंकि फिन निफ्टी में लास्ट में हैवी शॉर्टिंग यहाँ पे हो रहा था। फिन निफ्टी 200 सी हमने यहाँ पे दिया था, 30 के ऊपर 50-60 का टारगेट था, टारगेट यहाँ अचीव हुआ। लेकिन लास्ट में आप फिन निफ्टी देखें वहाँ पे हैवी सेलिंग के कारण क्या है, फिन निफ्टी को ड्रैग करके आपको 20,000 यानी आपको कहें कि 20,000 के आसपास ला के क्लोजिंग कराया जाएगा। तो ओवरऑल ये सब डेटा के ऊपर पॉसिबल है दोस्तों। थोड़ा सा हमने जो मैसेज किया वो हमने लेट मैसेज किया, यहाँ पे हमने ये मैसेज किया था कि 12 बजे तक आपको 12 बजे के पहले अगर हमारा शॉर्ट कवरिंग आ जाता है तो फिर मार्केट उसके रिवर्सल आ जाएगा। नहीं, अगर आप 1 PM के बाद अगर शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा आता है तो वो कंटिन्यूस हमारा डायरेक्शन रहेगा। तो ये हम आगे से ध्यान रखेंगे और मैं आपको ये अपडेट करता रहूंगा। इसके बाद भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे फॉलो किए हैं लोग, ये वाले यहाँ पे देखें पैसे यहाँ पे कमा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डेटा के ऊपर कि हमें कैसे ट्रेड करना है, कल का हमारा डेटा क्या बना हुआ दोस्तों हमें यहाँ पे, और बड़े प्लेयर की यहाँ पे एक्टिविटी क्या हुई है। तो आज अगर 11 तारीख का देखें, हमारे जो फ्यूचर में थोड़ा सा क्लाइंट्स ने लॉन्ग क्लोज करके थोड़ा सा शॉर्ट किया है, लेकिन नेट बेसिस पे भी ये 68,000 ही शॉर्ट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। FII ने थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा शॉर्ट भी क्लोज किया यहाँ पे, तो नेट बेसिस पे इनमें भी कोई एक्टिविटी आज नहीं हुई है। प्रो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं, तो इनकी भी नेट बेसिस पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं। फ्यूचर में आज कहें तो बड़े प्लेयर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किया है, यहाँ पे किसी की एक्टिविटी नहीं देखा जा रहा है। नेट बेसिस पे आप देखें तो आज लगभग FII ने 5,100 कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी में लॉन्ग किया है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी में 4,600 आपको यहाँ पे लॉन्ग क्लोज किया है। तो नेट बेसिस पे आप देखें यहाँ पे भले आपको ये 541 या फिर आपको यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं, 10 क्वांटिटी का सिर्फ चेंज दे रहा हो, लेकिन ये एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे सिर्फ हमें नेट बेसिस पे पता चलता है दोस्तों। आप देखें 1,304, 1,310 यानी नेट बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट जो है वो ज़्यादा यहाँ पे क्लोज किया गया है, यहाँ पे लॉन्ग यानी आपको अगले जो एक्सपायरी यानी कल से जो शुरू होगा वहाँ पे फिन निफ्टी के साथ, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी 13 को है, ये डेटा बुलिश इंडिकेट कर रहा है बड़े प्लेयर का। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस का कि आज ऑप्शंस में क्या एक्टिविटी किया गया है। क्लाइंट्स के द्वारा 7,68,000 कॉल की बाइंग क्लोज किया गया है, 5,99,000 कॉल की राइटिंग क्लोज किया है। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे देखें इनकी जो 42,000 बाइंग में था वो यहाँ पे अभी राइटिंग में आएंगे 1,27,000, यानी क्लाइंट्स यहाँ पे कॉल की राइटिंग करके गए हैं क्योंकि बाइंग कम क्लोज, राइटिंग बाइंग ज्यादा, राइटिंग कम क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे यहाँ पे ये बेरिश हो गए स्लाइटली। इनके पास 3,61,000 कल की पुट की राइटिंग थी, आज उन्होंने लगभग 2,87,000 पुट की बाइंग क्लोज की, 3,06,000 पुट की राइटिंग क्लोज की। नेट बेसिस पे 19,000 उन्होंने राइटिंग ज्यादा क्लोज कर दी, लेकिन अभी भी इनके पास क्या है, राइटिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे पुट का। देखें यहाँ पे 3,14,000, लेकिन ये यहाँ पे फ्रेश राइटिंग किया गया दोस्तों, ये फ्रेश इन्होंने किया है 3,14,000 राइटिंग। तो दोनों साइड हमारे क्लाइंट्स राइटिंग में बैठे हुए हैं। अब हम बड़े प्लेयर की एक्टिविटी FII की देखते हैं। FII ने आज मार्केट नीचे आया तो कुछ नहीं किया, उन्होंने देखिए सिर्फ 10,000 ही कॉल की बाइंग क्लोज की, जबकि 93,000 से उन्होंने जो कॉल की राइटिंग की थी वो क्लोज कर दिया, यानी यहाँ पर राइटिंग ज्यादा क्लोज कर दिया हमारे FII ने। उन्होंने मार्केट का जो नीचे डायरेक्शन था उसका मजा लिया आज हमारे FII। 82,000 की ज्यादा बाइंग हो गई क्योंकि राइटिंग क्लोज हो गया। तो नेट बेसिस पे इनका 1,60,000 से 2,42,000 बाइंग हो गई कॉल की। पुट साइड उन्होंने थोड़ा सा पुट की बाइंग क्लोज की, पुट की राइटिंग भी किया। तो यहाँ पे आज एक्टिव बड़े प्लेयर ज्यादा नहीं थे, 16,000 इनकी राइटिंग थोड़ी ज्यादा हुई, 3,15,000 यहाँ पे, यानी दोनों साइड इनकी एक्टिविटी लगभग आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा जो है वो कॉल की बाइंग ज्यादा, कॉल की राइटिंग ज्यादा क्लोज की। तो नेट बेसिस स्लाइटली वो बुलिश हुए कल के लिए। अब हम अगर बात करें यहाँ पे FII का, FII के साथ प्रो का, प्रो ने थोड़ी सी यहाँ पे 1,52,000 कॉल की बाइंग, राइटिंग 2,38,000 यानी 86,000 ज्यादा उन्होंने राइटिंग क्लोज किया।
तो 86,000 ये कॉल की बाइंग की पोजीशन बढ़ गई यहाँ पे, जो 2 लाख इनकी राइटिंग थी वो 1,15,000 हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको डेटा समझ में आ रहा होगा, मैं और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इनके पास जो पुट की आज एक्टिविटी बिल्कुल 1,41,000 बाइंग और 1,38,000 राइटिंग, तो नेट बेसिस पे अभी भी इनके पास 18,000 ही पुट पड़ा है, यानी यहाँ पे पुट के लिए क्लियर है, अभी भी ये आज पुट में राइटिंग करके नहीं गए हैं हमारे प्रोब, जबकि यहाँ पे FII कॉल की बाइंग करके गए। तो नेट बेसिस पे स्लाइटली यहाँ पे डाटा हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये अभी पोजिशन इनका क्लोज नहीं है हमारे प्रोब का, थोड़ा सा इन्होंने पोजिशन क्लोज किया है, तो ये हो सकता है कि कल थोड़ा सा और मार्केट को नीचे लगा कि यहाँ पे फिर हमारे ये जो राइटिंग किए गए हैं 3 लाख जो इनकी पोजीशन क्लोज कराया जाए, इनको यहाँ पे लॉस करा के फिर मार्केट में ये राइटिंग किए जाएं, यहाँ से प्रो राइटिंग करें। तो ओवरऑल डाटा अभी स्लाइटली यहाँ पे हमारे बड़े प्लेयर का यानी प्रो का कहिए बेयरिश है, FII तो स्लाइटली बुलिश है कल के लिए। तो डाटा अभी मिक्स है दोस्तों, इसको अगर हम ऑप्शन चेन पे देखें यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा कि क्या एक्टिविटी चल रही है। PCR हमारा 0.60 का है, कॉल साइड 3,80,000, पुट साइड 81,000 पोजीशन, यानी कॉल की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा हुई है आज। 45,000 पे एक अच्छा कॉल की राइटिंग हुआ है, इवन 44,800 44,900 पे थोड़ी सी राइटिंग हुई है, जबकि यहाँ पे आप देखें 45,000 पे ये इन द मनी कोई प्लेयर 18,000 राइटिंग करके गया। तो अभी हमारा इमीडिएट अभी 44,500 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख की एक्टिविटी है। इसके नीचे आप अगर कॉल साइड देखें तो कोई एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, कोई कॉल की एक्टिविटी नहीं है, और रेजिस्टेंस हमारा 45,000 का है। तो एक बार आपको 44,000 इवन कहें कि थोड़ा सा 44,000 हमारा 700 भी है, क्योंकि 700 के आसपास कॉल में कोई एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे 89,000 आज 23,000 पे इस पोजिशन बनाया गया। तो एक बार 44,700 थोड़ा सा आपको रजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा, 44,600 भी, तो एक बार 44,600 के आसपास या 700 के आसपास, इवन 44,680 के पास अगर मिले आपको मार्केट, तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 44,800 के लिए और 44,900 के लिए। एक बार ये टारगेट हमारा रहेगा कल के लिए आपको बैंक निफ्टी में, लेकिन थोड़ा सा एक बार बैंक निफ्टी जरूर नीचे आएगा, और हमें दिखाने के लिए अगर बात करें अब यहाँ पे निफ्टी का, तो 19,450 के पास निफ्टी क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों कि मार्केट निफ्टी में बुलिश था, लेकिन ये पोजिशन पूरा क्लोज हो गया। आप देखें नीचे कॉल साइड पूरी एक्टिविटी क्लोज हुई है आज, यानी यहाँ पे जो भी जिसकी पोजीशन फंसा हुआ था बड़े प्लेयर का, उन्होंने आज पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट समय में क्लोज कर दिया, और 19,500 पे देखें यहाँ पे जबरदस्त राइटिंग हो गया 93,000, ये 139 में से आज फ्रेश पोजीशन बनाया गया, इवन यहाँ पे 72 यहाँ पे 62, तो 19,400 अभी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक्टिविटी देखिए जबरदस्त, ये पुट की राइटिंग हो रही थी बड़े प्लेयर द्वारा, जबरदस्त हमारे यहाँ पे प्रोप है वो पुट की राइटिंग कर रहे थे, और मार्जिन यहाँ पे बिल्कुल वो पुट में लिया जा रहा था। अब देखें ये पुट में राइटिंग करके पुट में मार्जिन लिया, लास्ट में थोड़ा सा नीचे आया मार्केट ड्यू टू आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, लेकिन निफ्टी इनिशियल से ही स्ट्रॉन्ग बुलिश था। तो डेटा यहाँ पे निफ्टी का बुलिश है, 19,400 मैक्सिमम आपको 19,380 इसके नीचे नहीं आएगा, ऊपर की तरफ टारगेट हमारा 19,500 का एक बार हो सकता है, 500 एक बार देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन एक बार मार्केट 500 को फिर जरूर हमारा टच करेगा। तो आई होप कि यहाँ पे डेटा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिविटी पुट साइड ज्यादा हुआ, PCR 0.90 का है, यानी आपको बड़े प्लेयर जो हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो नहीं निफ्टी में पुट साइड में बैठे हुए हैं। तो आई होप आपको डेटा आज थोड़ा समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखें कि जबरदस्त लास्ट में 19,200 जो मार्केट 20,000 टच किया, 20,200 बैंक फिन निफ्टी का, तो एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होने लगी, ऐसे हमारा 20,300 20,200 का जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट था मार्केट ने टच किया, और उसके बाद जैसे टच किया वहां पे 20,200 पे जबरदस्त राइटिंग होने लगा, हमें ये दिखाएगा कि मार्केट यहाँ पे बियरिस है कल के लिए और फंसाया गया। तो कल मार्केट जरूर ऊपर रहेगा, आप डेटा के ऊपर ट्रेड करें दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारा नेक्स्ट जो क्लासेस इवन देखिए कि ऑप्शंस के हमारा आपको 16 मई से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट बैच, तो आप इमीडिएट दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस नंबर पर मुझे मैसेज करके, आप फुल लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका जो है सॉफ्टवेयर एडवांस सॉफ्टवेयर वहां पर क्रिएट करके दिया जाएगा, इवन आपको बताया जाएगा कैसे क्रिएट करते हैं इनिशियल जीरो से। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक करिए, आप
सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर बाय चलिए होल कैप्शन कितना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज से जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद।